विश्वामित्र जी के संग जब प्रभु चले जनकपुर की ओर, मार्ग में एक बड़ा सुंदर स्थान आया। बड़ा रहस्यमय ये छोटा सा प्रसंग है। जानबूझकर विश्वामित्र जी उस मार्ग से ले गए हैं जिस मार्ग में अहल्या जी का आश्रम पड़ता है। ये तो जंगल है, कहीं से भी जा सकते थे। रोड वाली तो कोई बात नहीं है, किधर का रोड अच्छा है उधर का रोड ठीक नहीं है, कहीं से भी जा सकते थे। विश्वामित्र जी प्रभु को उस मार्ग से लेकर जाते हैं। अयोध्या से चलकर राम जनकपुर पहुंचे। इस पूरी यात्रा का मूल बीज यहां पड़ा है, वो अहल्या है। जब आप घर से मंदिर जाते हैं तो साथ में आप दो चार काम कर भी लेते हैं। सब्जी खरीद लोगे वापसी में, किसी को मिलने जाना है तो आप जाके मिल भी लोगे, किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई काम है तो वो कर लोगे, दो चार काम निपटा लोगे। लेकिन पूछा जाए कि कहाँ गए थे तो आप कहोगे हम मंदिर गए थे, क्योंकि हेतु तो वही था। चार काम कर लिया अच्छी बात, लेकिन हेतु तो मंदिर था। उसी प्रकार श्री राम जब निकले, मार्ग सुबाहु का कल्याण हो गया, विश्वामित्र जी के यज्ञ हो गए, परशुराम जी पराजित हो गए, उधर धनुष टूट गया, विवाह हो गया, सब हुआ। लेकिन राम से पूछा जाए कि आप कहाँ गए थे प्रभु, तो राम जी कहेंगे अहल्या का उद्धार करने के लिए गया था। ये मूल बीज है यहाँ अहल्या। विश्वामित्र जी की तरह उसको जाना नहीं पड़ा, गई तो नहीं है कि चिट्ठी भी लिख कर नहीं भेजी कि मैं आपकी प्रतीक्षा में हूं, एक चिट्ठी नहीं भेजी कभी। लेकिन अहल्या के विश्वास का ही नतीजा है कि श्री राम विश्वामित्र जी को निमित्त बना करके यहां तक पहुंच रहे हैं। अगर हमारे विश्वास में दृढ़ता है तो परमात्मा मिलने का कोई ना कोई बहाना बना लेगा। किसी के भी माध्यम से भगवत प्राप्ति, जेहिते जेहि पर सत सने हु, सोते ही मिले न कछु संदेह। बड़ी अद्भुत घटना है यह। पत्थर में तो भगवान होता है ना, मंदिर में पत्थर के रूप में भगवान होता है। लेकिन भक्त भगवान की ऐसी आराधना करता है, इतनी आराधना करता है कि मंदिर में जो पत्थर है वो पत्थर न रह करके प्रकट हो जाता है। लेकिन प्रकट होकर के फिर भगवान क्या करता है, प्रकट होने के बाद भगवान भी देख रहा है कि मेरा भक्त भी देहाभिमान में है, देह वासना में है, पत्थर में है। प्रकट होने के बाद परमात्मा भी अपने भक्त को उस देहाभिमान से बाहर करता है, देह वासना से मुक्त करता है। भक्त भगवान दोनों परस्पर एक दूसरे को पत्थर से बाहर कर देते हैं। भगवान पत्थर के पर्दे में है तो भक्त देह वासना के पर्दे में है, और दोनों ही पर्दे, भक्त भगवान का पर्दा हटाता है और भगवान भक्त का पर्दा हटा था। विश्वामित्र जी ने पूछा, राम जी ने पूछा विश्वामित्र जी से, ये आश्रम किसका है, क्योंकि बड़ी विचित्रता इस आश्रम में ये है। खग मृग जीव जंतु कछु नाही, खग मृग जीव जंतु कछु नाही, आश्रम एक दीख मग माई,
आश्रम एक नीक भगवान। खग मृग जीव जंतु कछु ना, जंगल है पेड़ तो होंगे, पेड़ होंगे तो पंछी भी होंगे, पेड़ होंगे तो प्राणी भी होंगे, कैसे नहीं होंगे? क्या कोई चौकीदार रखा है कि अंदर कोई प्राणी ना आ जाए, कोई हिरण बिरण ना आ जाए? कोई कोई तो नहीं है। जीव जंतु ना आ जाए ऐसा कैसे हो सकता? लेकिन अहल्या की दृष्टि में आश्रम में आने वाला जीव जंतु प्राणी ये कोई जीव जंतु नहीं है। अहल्या जी सबको ब्रह्म मानती है, सब में राम को देखती है। वो नहीं कहेगी कि प्राणी आ गया, पंछी आ गया, वो कहेगी ब्रह्म आ गया। जैसे गोपियां पंछियों को देखकर क्या कहते थे वेणु गीत में, वो आपस में कहती है ये पंछी नहीं है, ये तो तपस्वी है, ये हिरण नहीं है, ये तो सब ऋषि मुनि है, ये पेड़ को पेड़ न समझो, ये पेड़ नहीं है, ये महात्मा है। बस उसी प्रकार खग मृग जीव जंतु का चुना है, जीव जंतु नहीं है, खगमरिक नहीं है, सब कुछ राम है, सब कुछ। और जो सब में भगवान का दर्शन करे, भगवान उनका दर्शन करने के लिए चाहते हैं जो सब में भगवान का दर्शन करे, तो भगवान उनका दर्शन करने जाए। जब राम जी ने पूछा यह आश्रम किसका है, तो विश्वामित्र जी ने एक दोहे में बहुत सारा परिचय भर दिया। गौतम नारी श्राप बसे उपल देह धरि धीरे, चरण कमर रच चाहती कृपा करो रघुवीर। अपनी ओर से विश्वामित्र जी कह रहे हैं गौतम नारी है, गौतम की पत्नी है, ये महिला स्वयं को श्रापित समझ रही है। आगे चलकर उसने कहा भी मुनि श्राप जो दिन ना आते बल के नहा, खुद को श्रापित समझती है। लेकिन दुनिया की दृष्टि में उपल देह तरी थीर, दुनिया की दृष्टि में ये स्त्री पत्थर है, मतलब ना समझ है, जड़वत है, कुछ भी नहीं कर रही, बस पड़ी है, पत्थर बनी है। इसका मतलब अहल्या अपने आश्रम में सारा काम करती है जो करना चाहिए, लेकिन उसका पत्थरपना यह है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ब्रह्म के अलावा दूसरे में दूसरा वो नहीं देख रही, ये उसका पत्थरपना है। वस्तु बदलती है, दर्शन नहीं बदलता, ये पत्थरपना निष्ठा है। असल में निष्ठा को पत्थर की लकीर बोलते हैं, कि हमारे लिए हमारे गुरु महाराज ने कह दिया तो पत्थर की लकीर, तो ये पत्थरपना है। सब में एक ही तत्व का दर्शन कर रही है वो, ये उसकी स्थिति है। जड़ कौन होता है, कौन पत्थर होता है? भगवान को बिल्कुल न जानने वाला जड़वत होता है, भगवान को बिल्कुल जानने वाला जड़वत होता है, दोनों ही जड़वत है। भगवान को बिल्कुल नहीं जानता वो माया में फंसा है, वो जड़ है, और भगवान को बिल्कुल जानता है वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। मान अपमान सुख दुख कुछ भी उसको प्रभावित नहीं करता। ईश्वर को न जानने वाली जड़ता अहल्या जी में नहीं है, जानने वाली जड़ता है। खास बात यह है कि पूरे प्रकरण में
अहल्या शब्द का प्रयोग ही नहीं है कहीं पर भी। यहाँ प्रयोग है देखा मुनि शीला प्रभु देखे, देखा मुनि शीला प्रभु देखे। अहल्या के पास भगवान नहीं जाएंगे, भगवान शल्या के पास। अहल्या वो बुद्धि है जो जमाने के साथ साथ सुधरती है और बिगड़ती भी है। वो अहल्या है जिसको दुनिया बिगाड़ सकती है, वो अहल्या है। लेकिन जमाना लाख बिगड़े, जो कभी नहीं बिगड़ सकती, ऐसी स्थिर बुद्धि को शल्या कहते हैं। संसार इसको बिगाड़ नहीं सकता। लोग जैसा व्यवहार करें, समझदार व्यक्ति भी अगर उसके साथ मिल जाए कि सब ऐसा खाते अपन भी खाओ, सब पीते अपन भी पियो, ये अहल्या है। जिसको बिगाड़ा जा सके उस बुद्धि को अहल्या कहते हैं, जिसको बिगड़ने की कोई संभावना नहीं है उसको शल्या कहते हैं। जिसको नहीं बिगाड़ा जा सकता, कहीं भी जाए, किसी भी देश दुनिया में जाकर रहे, लेकिन जो व्यक्ति अपनी पवित्रता नहीं छोड़ता वो शल्या है, वो स्थिर है, उसको बिगाड़ा नहीं जा सकता। दुष्ट के संग में गए तो दुष्ट को सुधारा, लेकिन खुद नहीं बिगड़े, ये शल्या है। और भगवान शल्या को मिलते हैं, न कि अहल्या को। जिसमें स्थिरता आ गई, जो सल्या बन जाए वो कभी अहल्या भी, वो कभी कौशल्या भी बन जाए, भगवान को अपनी गोदी में भी ले। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। दुनिया की दृष्टि में ये पत्थर है, जड़ है, मानो इनको कुछ पता ही नहीं चलता, कोई समझ ही नहीं है इसमें। चरण कमल रज चाहती, प्रभु ये स्त्री, इसने स्वयं को एक नाम दिया। इस महिला ने खुद को एक नाम दिया है नया, और वो नाम है चरण कमल रज। अहल्या किसी को चिट्ठी भी लिखती है तो नीचे अंत में वो अहल्या नहीं लिखती, अंत में लिखती है चरण कमल रज। मैं संतों की चरण रज हूँ, मैं गुरु की चरण रज हूँ, मैं रज हूँ। खुद को नीचे रज रखती है, ये खुद को दिया है नाम। भगवान को ये नाम बहुत अच्छा लगा, तो भगवान ने पूछा ये चरण कमल रज, ये चरण रज चाहते क्या है, इनकी क्या इच्छा है। विश्वामित्र जी बोले, प्रभु कुछ नहीं, कृपा करो रघुवीर, केवल कृपा बस। अटपटे में विश्वामित्र जी आज्ञा ले रहे हैं भगवान की, भगवान की कृपा का साक्षात स्वरूप विश्वामित्र जी ही है। यदि भगवान आज्ञा करे तो विश्वामित्र जी अहल्या की ओर दृष्टि करें, लेकिन प्रभु अगर मैंने दृष्टि की, यदि गुरु ने दृष्टि की, तो फिर आपको अपनाना ही पड़ेगा, फिर रज रज नहीं रहेगी। अगर आप, अगर दृष्टि हो गई, अब जब प्रभु ने सम्मति थी, विश्वामित्र जी ने एक कृपा दृष्टि अहल्या के ऊपर की, और जैसे ही गुरु कृपा की हवा चली, सदगुरु की कृपा एक ऐसी हवा है। देखो यही कारण है गुरु परंपरा में फूंक की बड़ी महिमा है।
ये फूंक है, ये कृपा है, ये कान फूंक देते हैं और ये फूंक थेरेपी थेरेपी है। ये एक गुरु जानता है और घर में माँ जानती है। बच्चा गिरता है, रोता है तो माँ फूंक लगा देती है जहां उसको चोट लगी, रोना बंद हो जाता है। बाद में खून भले ही चालू हो, रोना बंद हो जाता है। जब माँ फूंक मार दे, बच्चा का तत्क्षण रोना बंद होता है, शरीर की पीड़ा कम हो जाती है। लेकिन एक बार सदगुरु फूंक मार दे तो जन्म मृत्यु की पीड़ा खत्म हो जाती है, कई जन्मों की पीड़ा खत्म हो जाती है। ये वो हवा है। दृष्टि हुई विश्वामित्र जी की कि हवा चली, एक ऐसी हवा चली, एक तूफानी हवा चली। ये कृपा है, ये अनुग्रह है, ये कृपा है, ये करुणा है, जो किसी शिष्य को छोटा नहीं रहने देती। गुरु कृपा की हवा ही रज को मेरु बनाते हैं, वामन को विराट बनाते हैं। संसार का स्वभाव है विराट को वामन बना दे, और सदगुरु का स्वभाव है वामन को विराट बना दे। दुनिया के हाथ चढ़ गए तो विराट होंगे तो वामन बना देगी दुनिया मिलकर। सदगुरु वामन को विराट कर, गुरु कृपा की हवा है ये। और ऐसी हवा चली कि हवा में राम जी थोड़ी उड़ेंगे, रज ही तो उड़ेगी। अहल्या खुद रज है। जब हवा चलेगी तो व्यक्ति उड़ता है कि हवा उड़ती है? रज उड़ती है, रज ही उड़ेगी हवा में। गोस्वामी जी कहते हैं पर सत पद पावन, भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ लेकिन चरण पहुंचा कि रज पहुंची इसकी कोई स्पष्टता नहीं। लेकिन पेड़ तो उड़ेगा नहीं, रज ही तो उड़ेगी हवा में। देखो संसार छोड़ना, परिवार छोड़ना, ये इतना आसान नहीं होता। लोग चार दिन घर से बाहर जाते हैं तो भी नींद नहीं आती। लोग कहते हैं कि बिस्तर बदल गया तो नींद नहीं आती, घर बदल गया, स्थान बदल गया तो नींद नहीं आती। घर की दीवारों से भी ममता होती है लोगों की, लेकिन वो सब छोड़ करके कोई निकल जाता है तो वो कैसे निकलता है? जब गुरु कृपा का तूफान चलता है उस तूफान में ऐसी बहुत सारी रज उड़ करके भगवान के चरण में चली जाती। संसार से उठ करके सन्यास में चली जाती है। ये हवाई तो काम करती है, प्रयास से नहीं होता कुछ। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पूज सही। भगवान का स्पर्श होते ही भगवान बन गए। जो शब्द भगवान के लिए है वही शब्द यहाँ अहल्या के लिए है। श्री राम के लिए शब्द है भय प्रकट कृपाला, तो यहाँ भय प्रकट। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भय तप पूज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर चोरी। अति प्रेम अति रा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे वचन सही। अति से बड़ भागी चरण मिलागी, जुगल नयन जल तारी बही। राम जी भई प्रगट, तो ये भई प्रगट भगवान से कम नहीं है।
अवतारों की विशेषता होती है आंखों में, गति में और वाणी में। अवतार की आंख निर्दोष होती है, गति निर्दोष होती है। दुष्ट व्यक्ति चलता है तो चाल ही अलग होती है उसकी। अवतार की चाल निर्दोष है, आंख निर्दोष है, वाणी निर्दोष होती है। अहल्या उम्र में तो बहुत बड़ी है, लेकिन जब वो बोली अति निर्मल स्तुति खानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। और जुगल नयन जलधार बही, जुगल नयन, कोई एक आंख से थोड़ी रोता है। जुगल नयन लिखने की जरूरत क्या थी तुलसीदास जी को? वो कह रहे अहल्या की दोनों आंखों में आंसू, तो ये आंख से रोना होता ही कैसे? जुगल ही तो होता है ना, मतलब है कि अहल्या जी केवल बाहर की आंखों से नहीं रो रही, अहल्या भीतरी आंखों से भी रो रही है। जुगल नयन भीतरी आंखों से और बाहर की आंखों में निर्दोषता है। और तीनों काल का ज्ञान भगवान की तरह अहल्या को आ गया है। वर्तमान में मेरे सामने भगवान है, जानती है। मुनि श्राप जो दीन है अति बल के नहा, भूतकाल का सत्य आज समझ में आ गया इसको, लेकिन भविष्य की बात करती है। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुख रावण रिपु। अभी राम जी को भी नहीं पता है कि मेरा शत्रु रावण है, और अहल्या कह रही है आप रावण के शत्रु। तो भविष्य की बात भी अहल्या बोली। तीनों काल का ज्ञान अहल्या को प्राप्त, और अहल्या की गति देखो, भगवान की स्तुति करके भक्ति का वरदान प्राप्त करके गई पति लोक आनंद भरे, आनंद पूर्वक, रोते हुए नहीं, व्याकुलता से नहीं, चिल्लाते हुए नहीं, गई पति लोक आनंद भरे, परम गति को प्राप्त। क्योंकि गुरु कृपा से व्यक्ति की ऊर्ध्व गति हो जाए, और ऊर्ध्व गति करते करते जब साधक ब्रह्मानंद का स्पर्श कर ले, तो फिर उसमें और भगवान में कोई फर्क नहीं रहता। और ये मार्ग जितना 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 कठिन लगता है, अगर गुरु निष्ठा आ गई तो उतना 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 ही सरल हो जाता है, जितना कठिन। भगवान अहल्या जी का उद्धार करके, सल्या का ही उद्धार होता है। हमें सल्या बनना पड़ेगा, स्थिरताओं को लाना पड़ेगा, व्यक्तित्व को पवित्र करना पड़ेगा, आगे का प्रभु की कृपा से हो जाता है।